नेक्स्ट है फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर के अंदर मान लो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो मान लो ये फिक्स्ड है और मान लो ये मूवेबल है, तो आप खुद सोचो अगर ये मूवेबल है और ये फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड प्लेट इस मूवेबल प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितनी फोर्स से करेगा और क्यों करेगा? क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अपने आसपास ई लगाती है और ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई की वैल्यू इसमें एप्लीकेबल है। अब इस चार्ज पे ये ई लग रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगी, क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड में माइनस साइन तो शो कर रहा है अट्रैक्टिव है तो क्यू इंटू ई। अब क्यू इंटू ई के अंदर ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये प्लेट कितना ई लगाती है हमने फ्लक्स के चैप्टर के अंदर किया था, आखिरी एप्लीकेशन थी एक शीट वाला एग्जाम्पल जो था। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया जिसमें ये पूछे कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितनी फोर्स लगा रही है, तो फोर्स की वैल्यू इस तरीके से कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ